इधर से रावण आया अपने राक्षसाना लेकर, सीता माता को कहने लगा कि या तो तू एक महीने का टाइम दू, मेरी पत्नी बन जा, मंदोदरी न तेरी दासी बना दूंगा, और नहीं तो इस चंद्रहास तलवार से तेरा धड़ शीश अलग कर दू। और कहने लगा तू मेरी पत्नी बन जा। अब सीता मैया ने एक तिनका लिया, तिनका बीच में लिया, घास का तिनका। घास का तिनका कौन है? घास का तिनका कौन लिया माता ने? घास का तिनका जो है सीता माँ का भाई है, घास का तिनका, क्योंकि माँ भी धरती में से पैदा हुई थी और घास भी धरती में से होती है, तो सीता माँ का भाई है ये घास का तिनका। उसने तिनके की आड़ लेकर और पल्ला करके रावण से बात की, पर पुरुष की आंखों में आंख मिलाकर बात करने से अकेले में पाप पैदा हो जाता है। पाप जन्म कहाँ लेता है? जब अकेले में किसी आदमी के साथ आंखों में आंख मिलाकर बात करोगे तो मन में गलत विचार आ जाता है, पाप पैदा हो जाता है। इसलिए माता सीता ने पर्दा किया और तिनका बीच में लिया और कहा कह दे तिनके इसको, जैसे आप भी कहते हो ना कि कोई जेठ या कोई दादा इसरा पितसरा आ गया बच्चे स्कूल में, पर हम पर्दा करके क्या कहते हैं, कह दे ए नुके ताऊ का पापा तो उड़ गया। हम भी तो बीच में किसी को लेते हैं ना, डायरेक्ट बात नहीं करते। तो ये रिवाज जब से सीता माँ ने चलाई तो कहा कि मेरे स्वामी राम जी हैं और वही रहेंगे, आपसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब रावण कहने लगा उन जो राक्षसनी थी सीता माँ के पास, बोला इसको इतना डराओ धमकाओ कि ये मेरी पत्नी बनने के लिए रानी बनने के लिए अपने आप कहे, नहीं तो तुम्हारी ही जो है इस तलवार से हत्या कर दी जाएगी। अब बेचारी राक्षसनी डर गई और हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे, गुस्सा तो ऐसा चढ़ा जैसे अभी कूद जाऊं इसकी गर्दन पर, लेकिन बर्दाश्त कर गई। तो इसलिए हनुमान जी ने शिक्षा दी है, एकदम गुस्सा आए तो उसको थोड़ा रोको, गुस्से में पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, सोच कर गुस्सा करना चाहिए, थोड़ा आशा एक दो मिनट, बोले चल कोई बात ना बाद में देखेगी, जल्दी में गुस्सा बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर जो है उसने जो है रावण ने कहा कि इसको डराओ, अबे राक्षसनिया कहने लगी रावण के जाने के बाद, बोली तू ज्यादा अपने आप को सुंदर समझती है, क्यों नहीं रावण की पत्नी बन जाती? अब तो वो कह रहा है दुनिया तरसती है रावण की पत्नी बनने के लिए और तू महारानी बनने से मना कर रही है। बेचारी रोने लगी। एक उनकी हेडमास्टरनी थी राक्षसनिया की, बुढ़ी सी, उसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा कहने लगी ए तुम जो है ना सताओ मन्ना, या तीन लोक की लक्ष्मी है, विष्णु भगवान की लक्ष्मी है, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है जो लीला रचाने आ रही है। बोली तम इसके दर्शन कर अपना उद्धार कर लो, इसने साधारण नारी मत समझो। अब राक्षसनिया जाकर अपना रेस्ट करने लगी, ड्यूटी खत्म हो गई। त्रिजटा कहने लगी बेटी तू रो मत। जब उसने बेटी कहा तो माता सीता कहने लगी माँ आपने मुझे बेटी कहा तो आप मेरी रक्षा करो, मैं अकेली इतने दुख में झूल रही हूँ, आप मुझे कहीं से आग ला कर दे दो जो मैं अपने आप को जला लूँ मर जाऊँ। बोली बेटी रात को आग नहीं मिलेगी। बोली तो कुछ ऐसा कर दे कि जो मैं मर जाऊँ। बोली ना दुख को देख कर आत्महत्या नहीं करते, दुख का सामना करो क्योंकि इसके बाद सुख की बारी है, दुख और सुख भाई बहन है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है ऐसे ही दुख के बाद सुख आता है, तो क्या पता बेटी कितना बड़ा सुख आएगा, ऐसे दुखी मत हो। अब वे राक्षसनी कहने लगी तू इससे क्यों बात कर रही है? बोली ये साक्षात लक्ष्मी है, मैं इसके दर्शन करके अपने आप को धन्य कह रही हूँ, और आज मुझे एक सपना आया है
कौन बोली? त्रिजटा। आज बोली मुझे एक सपना आया, मेरे सपने कदे झूठे नहीं होते। और बोली मैंने सपने में देखा एक बंदर आ गया लंका में, और उस बंदर ने पूरा तहस नहस कर दिया सारी लंका, और उसके सिर पे मुकुट है और पूंछ बड़ी भारी है, भरोटा है पूंछ का, और लाल सा लंगोटा बांध रखा है। बोली बुढ़िया तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा अब उम्र ज्यादा होगी, तेरे को यादाश्त नहीं है, पता नहीं क्या बोल रही है। बोली मैं बोल नहीं रही, हे सपने के